In this video, I am going to explain how to draw projections of oblique line by taking one example. इस वीडियो में मैं एक example लेके oblique line का projections कैसे draw करते हैं ये explain करने वाला हूँ. So let's take one example. A line AB of 70 millimeter length has its one end AB Fifteen millimeter from HP, that is horizontal plane and vertical plane. The other end B is 40 millimeter above HP. And 60 millimeter in front of VP. Draw the projections of line of the line and determine the inclination of the line with HP and VP. ठीक है, तो यहाँ पे AB लाइन दिया है जिसका लेंथ है 70 मिलीमीटर, एंड A जो है वो 15 मिलीमीटर HP के ऊपर है और 15 मिलीमीटर ही वीपी के आगे है. दूसरा जो एंड है बी वो एचपी के 40 मिलीमीटर ऊपर है और वीपी से 60 मिलीमीटर आगे है. तो इस कंडीशन में हमें लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें लाइन का इंक्लिनेशन एचपी और वीपी के साथ डिटरमाइन करना है. तो चलिए पहले जो गिवन डेटा है उसको एनलिस्ट करते हैं. यहाँ पे दिया है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन ए बी वो है 70 मिलीमीटर. उसके बाद एंड ए जो है उसका डिस्टेंस एचपी से दिया है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में एक्स वाई और एंड ए का जो फ्रंट व्यू है उसके बीच में डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा. सो एक्स वाई ए डैश ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा वो है 15 मिलीमीटर. एक्स वाई के ऊपर आएगा ये एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है. उसके बाद एक्स वाई से स्मॉल ए दैट इज टॉप व्यू ऑफ एंड ए ये भी डिस्टेंस हमें दिया है 15 मिलीमीटर. एक्स वाई ए डैश ये 15 मिलीमीटर डिस्टेंस आएगा एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर,
तो यहां पे हम मेंशन करेंगे अबव एक्स वाई, और एक्स वाई ए 15 मिलीमीटर ये डिस्टेंस आएगा एक्स वाई के नीचे, बिलो एक्स वाई। उसके बाद दिया है एक्स वाई से बी डैश का डिस्टेंस, ये है 40 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस आएगा एक्स वाई के ऊपर अबव एक्स वाई। और एक्स वाई डैश स्मॉल बी ये डिस्टेंस दिया है एक्स वाई लाइन से एंड बी का जो टॉप व्यू है, यह है 60 मिलीमीटर और ये आएगा एक्स वाई के नीचे, दैट इज बिलो एक्स वाई। तो ये डेटा हमें दिया है। तो चलिए पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, और रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करने के बाद एंड ए जो है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लोकेट करेंगे। सो फर्स्ट ड्रॉ द रेफरेंस लाइन एक्स वाई, अब एंड ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लोकेट करते हैं। एक्स वाई के ऊपर ये आएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड ए का अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लोकेट करेंगे। एंड ए 15 मिलीमीटर एचपी के ऊपर और 15 मिलीमीटर वीपी के आगे है, तो ए डैश आएगा 15 मिलीमीटर अबव एक्स वाई और स्मॉल ए आएगा 15 मिलीमीटर बिलो एक्स वाई। तो ये प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ की, ऊपर आएगा ए डैश, नीचे आएगा ए। डायमेंशन यहां पे मेंशन करते हैं, दोनों डायमेंशन यहां पे आएंगे 15 मिलीमीटर ईच। उसके बाद एंड बी जो है उसके लोकस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सो बी डैश की लोकस लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बी का तो पता नहीं है, बट वी कैन ड्रॉ द लोकस लाइन ऑफ एंड बी फ्रंट व्यू। सो 40 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस लिया और ये हम लोकस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये है लोकस लाइन ऑफ बी डैश, तो इस लाइन के ऊपर एंड बी का फ्रंट व्यू आने वाला है, कहाँ पे वो हमें अभी पता नहीं है। इसके बाद एक्स वाई के नीचे हम 60 मिलीमीटर डिस्टेंस लेंगे और वहां से भी ये है लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लोकस लाइन होगी एंड बी का जो टॉप व्यू है स्मॉल बी उसकी, सो दिस इज अ लोकस लाइन ऑफ स्मॉल बी। ये लाइन के ऊपर एंड बी का टॉप व्यू आने वाला है। उसके बाद अभी ट्रू लेंथ हमें पता है, दिया है 70 मिलीमीटर, तो ट्रू लेंथ 70 मिलीमीटर डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे और ये 70 मिलीमीटर डिस्टेंस, और कंपास ए डैश के ऊपर रखेंगे और लोकस लाइन जो बी डैश की है वहां पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा बी वन डैश, तो यहाँ पे हम यह एज्यूम करके ड्रॉ लाइन कर रहे हैं कि ए बी लाइन सिर्फ एच पी के साथ एंगल कर रही है और वी पी को पैरेलल है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमें ये ट्रू लेंथ मिलेगी और ए डैश बी वन डैश टॉप व्यू में एक्स वाई को पैरेलल दिखेगी। तो ये है ट्रू लेंथ 60 मिलीमीटर 70 मिलीमीटर सॉरी 70 मिलीमीटर
अब बी वन डैश को हम टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए बी वन डैश से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और ए जो है स्मॉल वहां से एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए से ये एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने और बी वन डैश से हम ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे मिलेगा पॉइंट बी वन, इट इज अ टॉप व्यू ऑफ बी वन। तो ए बी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप व्यू लेंथ, जो हमारा एक्चुअल टॉप व्यू आएगा उसका ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 70 मिलीमीटर डिस्टेंस और एक बार हम कंपास में लेंगे और कंपास अब यहाँ पे रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर स्मॉल ए, और लोकस लाइन जो बी का है स्मॉल बी का वहां पे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि लाइन जो है ये वीपी के साथ एंगल कर रही है और एचपी को पैरेलल है, तो यहाँ पे ये बी टू पॉइंट मिलेगा। अब ए बी टू ज्वाइन करेंगे जो ट्रू लेंथ रिप्रेजेंट करेगा और ए बी टू को हम फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे जो एक्स वाई को पैरेलल होगा। तो ये है ट्रू लेंथ 70 मिलीमीटर। अब बी टू को फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे, सो बी टू से हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और ए डैश से एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बी टू हमने लोकेट, सॉरी बी टू डैश यहाँ पे नहीं आएगा, प्रोजेक्शन लाइन में ये एक्सटेंड करता हूँ, ए डैश से ये एक्स वाई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा बी टू डैश, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो ए डैश बी टू डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट व्यू लेंथ। तो जो हमारा एक्चुअल फ्रंट व्यू आएगा उसका वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे ए डैश बी टू डैश, ए डैश बी टू डैश, और सेंटर लेंगे ए डैश और एक आर्क ड्रॉ करेंगे लोकस लाइन जो बी डैश के हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर। तो जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है वो है बी डैश फ्रंट व्यू ऑफ एंड बी। अब ए डैश और बी डैश ज्वाइन करेंगे जो होगा एक्चुअल फ्रंट व्यू, रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू। उसी तरह से ए बी वन डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे, ए बी वन डिस्टेंस, ए सेंटर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे लोकस लाइन जो बी की हमने ड्रॉ की है वहां तक। तो ये पॉइंट मिलेगा स्मॉल बी, टॉप व्यू ऑफ एंड बी। अब ए और बी दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो ए बी लाइन ये है हमारी रिक्वायर्ड टॉप व्यू, एक्चुअल टॉप व्यू। तो इस तरह से ये हमने प्रोजेक्शन कंप्लीट किया जो भी डेटा दिया था उसके हेल्प से। अब डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी दे सकते हैं वो डायमेंशन यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे जो हमें दिया था ये 40 मिलीमीटर डिस्टेंस एंड बी का एचपी से, और उसी एंड का वीपी से डिस्टेंस दिया था 60 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन डिटरमाइन करने के लिए कहा है, तो थीटा और फाई, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एचपी थीटा और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वीपी फाई। तो पहले थीटा डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम एंगल मेजर करेंगे ए डैश बी वन डैश का एक्स वाई के साथ, तो वो होगा थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल हमें मिल रहा है 22 डिग्री और फाई एंगल हमें मिलेगा ए बी टू लाइन का एक्स वाई के साथ, तो ये एंगल हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये हमें मिल रहा है 39 डिग्री। सो इन दिस वे द एग्जांपल ऑफ ऑन ऑब्लिक लाइन इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।